ऐसे गहरे गहरे को नहीं उठाया है, एमबीए वाले को ही उठा करके रखा है। जहां तक फ्रेंचाइजी मैनेजर का सवाल है, तो फ्रेंचाइजी मैनेजर प्रैक्टिकली काम के डिग के ऊपर जो उसका वर्क परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से फ्रेंचाइजी मैनेजर बना है, क्योंकि वो वर्कर है और वर्कर ही फ्रेंचाइजी मैनेजर बनता है। इसलिए ऐसा कर देना कि सहारा में जैसे तैसे लोगों को ही मैनेजमेंट बना किया जाता है, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है और ये मैं सीरियसली खारिज करता हूँ। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट होता है एमबीए के अलावा, डीबीए के अलावा कभी किसी को नहीं लिया गया। जहां तक आज इन्वेस्टरों का पैसा डुबाने का सवाल है, तो पहली बात तो यह कि किसी का पैसा सहारा डुबाने के लिए काम नहीं किया है और सबको अच्छी तरह से पता है कि सारा पैसा लेकर के कहां डाला है, किस गड्ढे में डाला है या किस प्रॉपर्टी में डाला है। आप 2007 6 और 7 मिला करके देख लीजिए कि टॉप 10 में आने वाली कंपनियां जो इंडस्ट्री होती थी उनकी क्या हालत है और उन्होंने कितना डुबाया है। आज भी सारा आज भी खड़ा है और लोगों का पैसा डुबाया नहीं है। अगर लोग आज उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं कि 2009 में हमने 20 लाख रुपए डाला, आज हमारा इतना हो जाना चाहिए था। तो सर 2009 में सारा ने भी जितने भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी है आज उसका वैल्यूएशन कितना होगा ये खुद बताएं, ये खुद उसका आकलन करें कि सारा का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है कहीं गड्ढे में नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। और आज उनका पैसे का वैल्यूएशन जो सहारा ने कहा है कि हम 12% 12.5% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देते हैं और देंगे, तो उनको कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इसका आकलन खुद कर सकते हैं, क्योंकि सहारा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। और प्रॉपर्टी आज जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका वैल्यूएशन पिछले 10 साल में कितना बढ़ा है। जहां तक निवेशक का पैसे का हित का सवाल है, तो मैं सर एक सवाल करना चाहता हूँ। सहारा पर तो बहुत सवाल किया जाता है कि सहारा ऐसे कर दिया, सहारा ऐसा था, सहारा वैसा था। मैं मान लेता हूँ कि चलिए आपका पैसा सहारा ने डुबा दिया, लेकिन कुछ समय के लिए मान लेता हूँ, मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मान लेता हूँ कि सहारा ने आपका पैसा डुबाया। मेरा एक सवाल है, आज की डेट में अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही क्यों ना हो, देश की सबसे बड़ी बैंक नेशनलाइज बैंक राष्ट्रीय बैंक, और आपका अपना बैंक में 5 लाख रुपए से अगर ज्यादा का इन्वेस्ट अगर बैंक में डिपॉजिट है, तो आपको पता है कि आपको कितना पैसा, अगर बैंक करप्ट हो गया तो आपको कितना पैसा रिटर्न करेगी बैंक। अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ बैंक में पड़ा है, तो आपको क्या बैंक 1 करोड़ रुपए रिटर्न करेगी? क्या बैंक ये गारंटी ली है कि 1 करोड़ रुपए आपका डिपॉजिट है तो 1 करोड़ रिटर्न कर दिया जाएगा? लेकिन सहारा आज भी 1 करोड़ पर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने के लिए दावा करती है कि हम आपको एक एक दिन का 1-1 रुपए इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 5 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी नहीं लेती है। अगर आपका 100 करोड़ भी है तो 5 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी नहीं देगी। लेकिन ये सारा ही है आज भी बोल रही है कि आपका 1-1 दिन का इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे, तो इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए? इससे बड़ी गारंटी और क्या चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में जहां नजर घुमाएंगे वहीं सहारा की प्रॉपर्टी दिखाई देगी आपको। इससे बड़ी गारंटी आपको क्या चाहिए? सिर्फ इसलिए कि सहारा आज लीगली फंसा हुआ है तो कुछ भी बोल करके निकल जाओ, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले का पता नहीं चलेगा। आप निवेशक है तो आप मर्यादित रहिए और मर्यादा से ही रहिए, और आपका भी एक मर्यादा है। ऐसा आप पर्सनली जाते हैं, पर्सनली जाने का कोई अधिकार नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट सहारा में है, लेकिन उससे पहले अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, जरा इसको भी याद रखिए। लेकिन सहारा ने ऐसा नहीं कहा है और न करेगा, सबका पैसा गारंटेड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने वाला है। एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, फिर ये लोग सवाल पूछेंगे। धैर्य से रखिए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, प्लीज एकदम धैर्य से बातचीत होनी चाहिए। एक कन्हैया जी, एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये चूंकि आप ही का डेडलाइन था कि दीपावली तक बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारे ऑफिस खुल जाएंगे, सैलरी भी मिल जाएगी, ये मेरा नहीं था ना ही निवेशकों का था जितने लोग थे। तो दीपावली बीत गई है, उसके बाद बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भी चाहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी राय रखें ही, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इस पर कोई राय रखेंगे, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट था दशहरा और दीपावली का डेडलाइन। दीपावली खत्म हो गई है, आज गोवर्धन पूजा है, आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामना गोवर्धन पूजा की, छठ की भी शुभकामना आपको और सहारा इंडिया परिवार को भी हमारी शुभकामना। लेकिन क्या इस दिशा में कुछ कहेंगे आप कि
दीपावली का जो आपने दिया था। हमने जो कहा था कि आने वाले दीपावली आने वाला दशहरा खुशियों भरा होगा, क्योंकि 4-5 तारीख की जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आई उसमें सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी एंड अदर एंटिटी को सहारा से भी रिफंड से फंड ले जाने के लिए लिबर्टी दी गई। सहारा ने एप्लीकेशन मूव किया और अपने आप को आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्द दीपावली तक जो हमारी लिबर्टी के रूप में फंड आ रही है उससे हमें पूरे हिंदुस्तान की ब्रांच को एक्टिव कर देंगे, सारे कार्यकर्ता को सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे। लेकिन क्योंकि 15 अक्टूबर को जो डेट थी वो डेट बढ़ गई, 22 तारीख को डेट गई, 22 को भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी भी डेट मिला नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि आपने ऐसा कहा था, हमने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन क्योंकि अप्रूवल नहीं मिली है, फंड सारा के पास नहीं है, सारा के पास फंड आया नहीं, जिसकी वजह से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होने वाला है। हो सकता है 5 तारीख को सुनवाई हो सकता है 8 तारीख की सुनवाई हो, जो लिबर्टी दी गई है जहां से 1100 करोड़ के करीब फंडिंग की डिमांड की गई है वो फंड आएगा और सहारा के उन कार्यकर्ताओं को उन कर्मचारियों को जो सैलरी देना है मिलेगा, सारे ऑफिस एक्टिव होंगे। सर आज अगर मान लिया जाए कि सहारा की ब्रांचें बंद है, एक्टिव नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हमारा केस वाइंड अप हो गया, हमारी लिबर्टी के लिए जो एप्लीकेशन बुक की गई है फंड लेने के लिए वो फंड नहीं आएगा, सब आएंगे। हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते जाते हमें अप्रूव करके जाए, हम ये भी उम्मीद लगा करके रखे हैं दुर्गा चंद्रचूड़ साहब के ऊपर हमारा हम लोगों का आस्था बना हुआ है कि हो सकता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ये ऑर्डर करके जाए और उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, हम लोग उम्मीद पर है, कोर्ट में है, इससे बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है, 12 साल से लड़ रहे हैं और जो आज लिबर्टी मिली हुई है ये इससे पहले नहीं मिला था, तो बहुत अच्छा होने जा रहा है, होगा जरूर। इस दिवाली में नहीं हुआ है, हम लोग भी दिवाली नहीं मनाए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस दिन सहारा से भी कंटेंप्ट का जजमेंट आएगा, केस वाइंड अप होगा, उसी दिन हमारा होली दिवाली ईद सब कुछ मनाएगा। एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या सहारा सरकार से ये अपील करेगी, एक बार फ्रेश लेटर लिखेगी कि आपके पास जो 15,000 करोड़ रुपए हैं, 5,000 करोड़ की जो आप अदायगी कर रहे हैं उस पर नया नया पोर्टल आप बना रहे हैं, एक पोर्टल बना फिर दूसरा पोर्टल बना फिर तीसरा पोर्टल बना, पोर्टल के माध्यम से डिफिशियंसी दूर करने के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है और ये सब उसमें बारे न्यारे हो गए, लगभग 100 करोड़ रुपए उठा लिए गए मार्केट से सिर्फ डिफिशियंसी दूर करने के नाम पे। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि क्या सहारा प्रबंधन सरकार से ये अनुरोध करेगी कि चाहे हमसे जितना भी सहयोग होता है हमसे लिया जाए और कहीं भी अगर कंपनी पैसा ले रही है डिफिशियंसी हटाने के नाम पर तो मैं रोकने में असमर्थ हूं, क्योंकि हमारे कार्यालय अभी उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, जहां कहीं भी ऑफिस खोला गया है वो लोग खोल रहे हैं, तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन इसकी अदायगी हो रही है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को एक पत्र लिखेगी सारा प्रबंधन कि आप इसका संज्ञान लें और जिस किसी से भी पैसे लिए जा रहे हैं वो ना लें, नंबर वन। नंबर टू कि जो 15,000 करोड़ रुपए हैं वो आप त्वरित प्रभाव से निवेशकों का लौटाइए और मैं 10,000 करोड़ रुपए का तो इंतजाम करके आपको 9 महीने में देना ही है, क्योंकि अभी 5-18 एजेंसियों को मिला करके सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश के तहत 5,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान होना है। अब 10,000 करोड़ रुपए अभी भी सरकार के पास से भी और सहारा अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो क्या सरकार सहारा ये त्वरित प्रभाव से निवेशकों के हित में सरकार को अविलंब ये पत्र लिखेगी कि आप कृपा करके 10,000 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दीजिए, 5,000 करोड़ जो आप कर रहे हैं वो भी रिलीज कर दीजिए और पोर्टल के बगैर पोर्टल के अलावा कोई अगर माध्यम है उस माध्यम के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि अविलंब निवेशकों का पैसा कैसे मिले पोर्टल के अलावा, क्योंकि पोर्टल तो एक पोर्टल आया दूसरा आया अब ये तीसरा पोर्टल आ गया, पोर्टल तो पंचवर्षीय नहीं 50 वर्षीय योजना प्रतीत हो रही है।
और इसमें सहारा के ऊपर संदेह हो रहा है कि सहारा स्वयं इस बात को डिले करना चाहती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चूंकि ये नियत का सवाल है, तो सहारा अगर अपने नियत को थोड़ा पुख्ता कर ले, मजबूत कर ले, और निवेशकों के हित में काम कर रही है सहारा, मैं मानता हूं कि निवेशकों के हित में काम कर रही है, तो क्या कोई पत्र लिखेगी, क्या आप अनुरोध करेंगे कि सरकार अविलंब 10,000 करोड़ रुपया पोर्टल के अलावा कौन सा माध्यम हो सकता है, या मुझे माध्यम नहीं पता है, सरकार में बहुत बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, आप में भी बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर बैठे हुए हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी जिनको पैसा लेने का इल्म है, उनको देने का भी इल्म होगा, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लेने का इल्म है, देने का इल्म पता ही नहीं है। तो लेने का अगर इल्म है तो देने का भी इल्म मालूम होगा, तो जो